नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन वृद्धि देखी गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की वृद्धि हुई है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 108.99 रुपये हो गया, वहीं मुंबई में यह 114.81 रुपये प्रति लीटर है। तेल की रोजाना बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कवि कुमार विश्वास ने तंजिया अंदाज में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर टिप्पणी की है। कुमार विश्वास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, ओके तो आज रेट कितना है, कल का तो याद है तेल भरवाया था। उनके इस टिप्पणी पर आईबीसी 24 न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा ने ट्वीट किया, भैया आपके ट्वीट करते करते 20-25 पैसे और बढ़ गए होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं हुए, शेयर बाजार हो गया हो जैसे। पत्रकार के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, ओह ऐसा, ये एक दिन के फर्स्ट हाफ में बढ़े हैं ना, सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा बढ़ते ही, रात में थोड़ा कम बढ़ेंगे, ज्यादा चिंता मत करो, जोर से 2-4 बार बोलो भारत माता की जय, काफी आराम पड़ेगा, आजमाया हुआ नुस्खा है, कई लोगों को आराम पड़ा है, भारत माता की जय। वहीं कुमार विश्वास के इस तंज पर ट्विटर यूजर्स भी अपनी राय दे रहे हैं। मयंक सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, अब तो लगता है नेपाल जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, आप कहो तो आपके लिए भी वहां घर ढूंढ लें कुमार विश्वास सर। अनिल त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कुमार विश्वास को जवाब दिया, सबको सूचित हो, आत्मनिर्भर भारत में बेरोजगारों के लिए लाभकारी योजना, प्रतिदिन डीजल पेट्रोल को खरीद कर दूसरे दिन बेच दें, प्रतिदिन 30 से 40 पैसे प्रति लीटर का लाभ कमाएं। सुमित मनचंदा नाम के एक यूजर ने लिखा, कुमार भैया अब साइकिल पर सवार हो जाइए, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कि अखिलेश वाला नहीं, अपनी सेहत के लिए ले लीजिए, पेट्रोल भी बचेगा तंदुरुस्ती भी रहेगी। तो देखा आपने, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत पर लोग किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।